हेलो दोस्तों, रेसिपी फॉर बिगनर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खजली की रेसिपी, जो बिहार और यूपी में बहुत ही पसंद से खाई जाती है और जिसे बनाना बहुत ही आसान है। खजली बनाने के लिए यहाँ मैंने 1.5 केजी मैदा लिया है, जिसे अच्छी तरह से छान लिया है। मैदे को छानने के बाद इसमें मोयन देंगे। मोयन के लिए तेल या घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 केजी मैदा में 300 ml मोयन लगेगा। अगर आप आधा केजी मैदा में बना रहे हैं तो 100 ml तेल का इस्तेमाल करें। दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से मोयन को मिला लें और जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगा तो मुट्ठी में आसानी से बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। पानी कम ही डालें क्योंकि इसका डो थोड़ा कड़ा ही होता है, इससे हमारे खजली कुरकुरे बनेंगे। मैदे को अच्छी तरह से गूंथने के बाद आधा घंटा इसे ढककर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। गूंथे हुए आटे से बड़ी बड़ी लोई काट लेंगे और इसे रोटी की तरह पतला बेल लेंगे। खजली थोड़ी लंबी ही बनती है, इसे 2 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा इस तरह के पीसेस में काट लें। गर्म तेल में अपने सारे खजली को अच्छी तरह से तल लेंगे। तलते वक्त ध्यान देंगे ज़्यादा तेल गर्म ना हो, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये कुरकुरे नहीं बनेंगे। इसे मीडियम से लो फ्लेम में अच्छी तरह से तलें। सारे खजली को सुनहरा होने तक तलेंगे, तभी ये कुरकुरे बनेंगे। जब सारे खजली अच्छी तरह से तल लेंगे तब इसे ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। अब हम चाशनी की तैयारी करेंगे। चाशनी के लिए 1 कटोरी पानी और 4 कटोरी चीनी लेंगे। 1.5 केजी मैदा के लिए 1 केजी चीनी लग जाएगी। चाशनी को अच्छी तरह से पका लेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। चाशनी पकी है कि नहीं इसकी जांच करने के लिए किनारे किनारे हम देखेंगे एक सफ़ेद सफ़ेद सी चीनी की परत लग जाएगी, तब समझेंगे कि चाशनी अच्छी तरह से पक गई है। चाशनी को गैस पर से उतार लेंगे और इसे ठंडा किए हुए खजली में धीरे धीरे डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे आराम से मिलाएं ताकि खजली टूटे नहीं। जब ये अच्छी तरह से मिल जाएगी तब इसे ठंडा कर लें। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगी तो इसे किसी भी डिब्बे में बंद करके आप महीनों खा सकते हैं। खाने में ये खजली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसे आप ज़रूर बनाएं और खाएं। आसान तरीके से बनने वाली खजली की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।